महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के गिरनारी हनुमान के पास स्थित धनु सहस्त्रेश्वर महादेव 84 महादेवों में 63 नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार राजा विदुरथ के कार्यकाल में एक राक्षस कुंजब जब राज्य की ही एक कन्या मुदावती का हरण करके ले गया, तब नागरिकों की प्रार्थना पर विदुरथ ने अपनी सेना और दोनों पुत्रों अर्थात सुनीति और सुमति को कुंजब से युद्ध कर मुदावती को छुड़ाने के लिए भेजा। दैत्य कुंजब बड़ा प्रतापी और अमोद शस्त्रों का स्वामी था, जिससे उसने विदुरथ की सेना को तो नाश किया ही, साथ ही उनके दोनों बेटों को भी बंदी बना लिया। दुखी विदुरथ को जब अत्यधिक पीड़ित होते हुए देवऋषि नारद ने देखा तो उन्होंने अपने योग बल से विदुरथ के शोक निवारण का कारण जानकर उससे कहा कि हे विदुरथ, महाकाल वन में श्री रूपेश्वर के दक्षिण में स्थित शिवलिंग की आराधना करने से तुम्हें स्वयं सदाशिव द्वारा एक अमोद धनुष प्रदान किया जाएगा, जिससे तुम कुंजब को मारकर अपने पुत्रों को बंधन मुक्त करा सकोगे। विदुरथ ने वैसा ही किया और कुंजब को मारकर विजय प्राप्त की तथा अपने पुत्रों और परिजनों सहित पृथ्वी पर अनेकों वर्षों तक निष्कंटक राज किया। अमोद धनुष प्राप्त करने के कारण यह दिव्यलिंग तभी से श्री धनु शास्त्रेश्वर के रूप में विख्यात है। इसके दर्शन पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।